खेलों से न केवल व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है बल्कि समाज में भाईचारा भी बढ़ता है। यह कहना था राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी का। चौधरी शुक्रवार को भू प्रबंधन विभाग के 21वें राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पुष्कर पहुंचे थे। उन्होंने मेला स्टेडियम में वॉलीबॉल की सर्विस कर प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भू प्रबंध आयुक्त विक्रम सिंह ने की, जबकि संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष आयुदान सिंह कविया विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। दो दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 12 टीम्स भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज सहित एथलेटिक्स के मुकाबले होंगे। पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटियों के चलते किसानों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए जल्द ही रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाया जाएगा। 21वां जो खेलकूद प्रतियोगिता जो है सेटलमेंट विभाग की हो रही है और यहाँ पर जो आप देखिए के 55 साल के 50 साल से ऐसे खिलाड़ी जो एक हमेशा हर साल जो 21वां ये टूर्नामेंट हो रहा है बड़े जोश के साथ खेल रहे हैं और इनमें बहुत ही ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति है, इसीलिए इनका जो शरीर है वो स्वस्थ है, सुखी है और इसलिए हमारे ये विभाग का जो है ये सेटलमेंट विभाग का ये 21वां जो आपके इस पुष्कर में हो रहा है ये हमारा सालाना कार्यक्रम है, वार्षिक रूप से आयोजित होता है और 1984 से ही हो रहा है। बीच में कुछ वर्षों में ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया लेकिन लगभग हर वर्ष होता है और 21वीं ये प्रतियोगिता हो रही है और इसमें हमारे 11 मुख्य कार्यालय हैं पूरे राजस्थान में स्थित हैं, उनसे अधिकारी और कर्मचारी आए हैं यहाँ पर। महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दूसरा संभाग स्तरीय अमृता हाट का आयोजन वैशाली नगर स्थित अर्बन हाट में 22 से 27 अक्टूबर तक किया जा रहा है। शुक्रवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बधेल ने बताया कि संभाग स्तरीय अमृता हाट का उद्घाटन मुख्य अतिथि सहकारिता विभाग राज्य मंत्री अजय सिंह किलक करेंगे, जबकि अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बधेल और विशेष अतिथि के तौर पर जनप्रतिनिधि व गणमान्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि एक सब के लिए सब एक के लिए सिद्धांत पर आधारित महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और विपणन कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमृता हाट का आयोजन किया जा रहा है। अमृता हाट में प्रतिदिन 1000 की खरीदारी करने पर इनामी कूपन दिया जाएगा जिसका ड्रॉ प्रतिदिन शाम 8 बजे निकाला जाएगा। रोजाना प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। अमृता हाट मेले की खासियत यह है कि यहां 17 खाद्य पदार्थ, 29 वस्त्र, 22 फैंसी आइटम्स, 31 साज सज्जा और हैंडीक्राफ्ट सहित कुल 101 दुकानें लगाई जा रही हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को निशुल्क दुकानें देने के साथ ही विभाग इनके रहने, खाने पीने का भी प्रबंध अपनी ओर से कर रहा है। नगर अर्बन हाट में विभाग की ओर से, महिला अधिकारिता डिपार्टमेंट की ओर से अमृता हाट का आयोजन किया जा रहा है जो 22 तारीख से प्रारंभ होकर के 27 तारीख तक चलने वाला है। इस अमृता हाट में पूरे राज्य भर से 101 के लगभग स्वयं सहायता समूह अपने विभिन्न प्रकार के उत्पादों को लेकर के आने वाले हैं। अलग अलग विशेषता लिए हुए यहाँ पर रेसिपीज आने वाले हैं जो शहरवासियों के लिए खरीदारी के लिए उपलब्ध होंगे, बहुत ही किफ़ायती दामों पर और सीधे हाथ से बने निर्मित होंगे और बिल्कुल मेन मार्केट में ये उपलब्ध है। तो आपके माध्यम से मैं सभी शहरवासियों को आमंत्रित करती हूँ इस अमृता हाट में अधिक से अधिक खरीदारी के लिए, जिसमें शुद्धता भी है और गुणवत्ता भी है।